आपने भी अपने करियर में आज तक कुछ ना कमाया, बस ईमानदारी में रह गए। ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। ईमानदारी से ही खा ले आदमी, वही बहुत है। आदमी को दो रोटी तो खानी है। आदमी को अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए कभी भी। सही बात है सर। सर आपने आज तक बहुत केस सॉल्व किए हैं, मुझे कोई ऐसी कहानी बताओ जो आपके दिल के बिल्कुल करीब हो। हाँ, एक कहानी है जो मेरे दिल के बहुत करीब रही है। गांव का एक सीधा साधा लड़का जो अपने कर्म चरित्र से बिल्कुल राम, और उसी गांव का दूसरा लड़का सुल्तान, बहुत बड़ा हैवान। सुल्तान भाई माफ कर दो, अबकी बार माफ कर दो सुल्तान भाई, अबकी बार माफ। मौत भी कितनी अनोखी चीज है, कितना भी भाग लो इससे तेज नहीं भाग सकता। छी, तू कितना बड़ा बदनसीब है रे, मैं तेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। चल कोई बात नहीं, खुदा के घर तो जा ही रहा है, वहां अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर लेना। सुल्तान भाई मेरा घर जमीन सब ले लो, मुझे माफ कर दो सुल्तान भाई, आपके माफ कर दो सुल्तान भाई। बहुत बुरा आदमी है भाई तो। अगर तुझे मेरे नाम जमीन करनी थी, क्यों भगाया भी मुझे इतना, मेरा डीजल भी फुकवा दिया। अब ऐसा शर्म करो, शर्म, मुझसे इतने पाप मत कराओ। मेरे पाप का घड़ा भर जाएगा, मैं जन्नत की बजाय दोजख में चला जाऊंगा, ये जन्नत में जाएंगे। चल अंगूठा ले ले इससे। सियाई कहाँ है, कहाँ से लेगा अंगूठा? चल कोई बात नहीं, ये वाला लगाए ना भाई। कम पड़े तो और बता देना, तेरा मेरा हिसाब बराबर हो गया, तेरा सारा कर्जा उतर गया। और सुन, आगे जरूरत पड़े तो बता देना, अभी तेरी लड़की भी जवान है। चलो भाई बैठो, चलो भाई बस स्टार्ट कर। अरे पंखा क्यों नहीं चल रहा? ये भी ठीक है, ये भी सही लग रहे। यहाँ देखो क्या हुआ जी? बचाओ, राम भैया, तुम्हारे भैया को जब बिजली ने पकड़ लिया। ओ तेरी, भाभी तू यहाँ कब पकड़ी है? ले भाभी, तू इसने मसल, मैं डॉक्टर ने बुला के लाया। हाँ जी तबीयत ठीक है? हाँ जी ठीक। दवाई ली थी? हाँ। बुखार तो नहीं है? हाँ। थोड़ी सी और दवाई लिख देता हूँ, इसे ले लेना, ठीक हो जाएगा। सुखा बिजली पकड़ ले, एक बार चली जल्दी। अच्छा मैं थोड़ा सा। हाँ भाई इंजेक्शन ले लीजिए।
जल्दी आओ। डॉक्टर साहब देखियो, डॉक्टर साहब देखियो। हटो जरा एक सेकंड, इनका हाथ पैर मलो जरा। घबराने की बात नहीं है, अब इंजेक्शन दे देता हूँ। घबराने की बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब दवाई? दवाई मैं अभी दुकान पे चलिए, वहाँ पे जाके पर्चा बना देता हूँ। ठीक है, बाकी दवाई वहाँ से दे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आता हूँ अभी दुकान पे। ठीक है। भाभी मैं एक फिर डॉक्टर पर दवाई ले आऊं। हाँ भैया। हाँ पानी। भाभी ले गोली, एक खुराक तो भी दे दिए। भाभी तू परेशान हो रही है, अब तो ठीक है। कितनी बार कही है मैंने इनसे, नंगे पैर तालों को मत छुए करो, आज इन्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। अरे भाभी तू कैसी बात कर रही है, कुछ होता तो भगवान मुझे कोई भेजता। चुप हो जा। अरे भाई ठीक तो है। अरे भाई तू भी नंगे पैर बिजली मत पकड़े कर, भाभी तो छोड़ दे, बिजली ना छोड़ती है। भाई अगर तू ना होता तो आज मेरा क्या होता। यार तू यह बात मत कह, तू मेरा भाई है और पड़ोस का, अपना अपना ही हो, मुझे पराया मत कर, लौट जा। दवाई दे दी भाभी। ठीक है भाभी। पिताजी पानी तो मैं पिला देता। तेरा पता ही ना कहाँ है, तड़की से कहाँ था? पिताजी हरिया बिजली ने पकड़ लिया। अच्छा, तो वहाँ देर सी हो गई और आज उसे बचाने के चक्कर में दूध और बिखर गया। अरे भले मानस, जब भी देखे दूसरे के बारे में सोचो, कुछ अपने बारे में भी सोच ले। मेरे तो पीछे तेरा क्या होगा, मैं तो देख ले। पिताजी आजकल अपनापन और भरोसा बचा ही कहाँ है। बस मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि अपनापन और भरोसा जिंदा रहे। यह इतनी अच्छाई भी बली ना उतनी, या दुख दे जा बाजी पर। आ जाओ पिताजी दवाई ले लो। चल भाई। यार दो दिन हो गए दारू भी नहीं पी, साला टाइम ही नहीं कट रहा हमारा। ओ चुम्मी कहाँ जा रहा है? हाँ भाई मेरा नाम चुम्मी ना पप्पी है। अरे तेरा नाम चुम्मी हो या पप्पी एक ही बात है, हम तुझे प्यार से किसी कह देंगे। हैं रैपट और थप्पड़ जो भी एक बात हो, ऐसा मारूंगा साले के मुंह आगेगा, फिर सोच ले उल्टी कांटे करेगा। भाई यो क्या 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 गया? अरे यार यू यू क्या गया, इस बात है तो बहुत गलत बात क्या गया भाई। लो पिताजी हाथ धो लो, पानी भी शेला लग गया सुसरे का। लो खाना खा लो और पीने का पानी यहीं धरा। पिताजी आज तो मैं लेट हो गया, चक्की क्या? कोई बात नहीं, रोटी तो खाता जाता। बस चलूं पिताजी, दोपहर में खा लूंगा। आ जाइए। हाँ पिताजी आ जाऊंगा। हाँ हाँ आराम से जाग रहे।
कब आई? कल रात। बताया भी ना? अगर पहले बता देती तो तेरे चेहरे पे चमक कैसे देख पाती जिसमें मैं हमेशा मरती हूँ। तेरे से कितनी भी बात बनवा लो, चल अब तो मुझे देर हो रही है और पिताजी का ख्याल फरा गया। हाँ हाँ रख लूंगी, बताने की जरूरत ना है, मेरे भी तो पिताजी हैं वो, मैं ना रखूंगी तो कौन रखेगा, कोई देख ली क्या? हाँ एक गोदाम पे आ तो रहे रोज, बोली राम जी ये दे दो, राम जी वो दे दो। एक दिन तो मंदिर के पास भी आ गई, बोली राम जी औलाद दे दो। अभी वो ना पता कौन से राम जी थे, कह रही थी। मुझे तो पहले पता था तुम मेरे पीछे ये सब करोगे। आज मैं भी चलूंगी तुम्हारी चक्की पे, मैं भी देखूंगी कौन है वो लंका, वही बॉल पकड़ के ना मारी तो मेरा नाम भी रोशनी ना। मजाक कर रहा, कोई ना तो छेड़ रहा है। अगर कोई हुई ना तो उसे वही मार के खुद जेल चली जाऊंगी, फिर घूमने इस पुच्ची के साथ। अरे पप्पी नाम है मेरा। तो चुप कर, असली नाम वाले आदमी। ये लो, एक तो भलाई करो ऊपर से सुन भी लो। हरकत तो तेरी पिटने वाली है रोशनी, शाम को लड़ेंगे, अब देर हो रही है। अच्छा मैं लड़ती हूँ? मन ने कब कही? अभी तो कही। मन ने ना कही? तुम दोनों ही गूंगे हो, जो कहा मन ने कहा, भाई तो चल। ठीक है। बेटा दवाई ला दे ना। मेरे बस की तरह कर्जा उतारना, ना मेरे बस की तरह इलाज कराना, जब बोई पांच ना करे तो मैं क्यों करूं? चल निकल यहाँ से। चाचा की बात हो गई? अरे भैया चार दिन से बीमार पड़ा हूँ, ये लौंडा सुन कर नहीं देता बिल्कुल कोई सा भी। 20 रुपए पड़े थे मेरे, 40 रुपए की दवाई आएगी। अच्छा 20 रुपए ले जा दवाई ला दे। चाचा ये 20 रुपए भी धर ले, मैं अभी दवाई ला रहा हूँ, अभी खा लिए। हाँ चाचा मत दो पैसे, ये तो दानवीर करण की औलाद है ना। ओए जिस दिन बाप बनेगा ना, जब पता चलेगी कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो गए। और मैं तो नुकाऊं इस दुनिया में भगवान सबसे पहले है तो माँ बाप है। भाई तू तो पैंडल मार ले ज्ञान ना पहले, अगर रवाना पहुंचे ना तो मालिक पहल देगा। चल हाँ हाँ पहले चाचा की दवाई लाएंगे और चाचा को दवाई देकर जब चलेंगे। चल, चल। कितना खुश नसीब है इसका बाप जो इसके जैसी औलाद मिली। मेरे 6 हैं, मैं फिर भी धक्के खाता फिर रहा हूँ। बाप मेरे ससुरे अभी तक ना आए, कहाँ की ड्यूटी कर रहे हैं, नानू पता लगता मालिक वे हैं या मैं हूँ। और सौ को मैं न्यू ना मारता हूँ, कभी मर जा। हाँ राम राम डबरू चक्के वाले। राम 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 राम। तुझे पता है सुल्तान ने एक आदमी ठोक दिया? अजी मेरा वो कहाँ का पहलवान, कहाँ का बदमाश है, काला एक दिन मेरे से लज गया, इतने रैप्टे मारे 6 महीने भीतर पड़ा रहा। ओ सुल्तान अरे डमरू मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो खामे खा बजे जा। मजाक कर रहा था काले, तुझे पता कितना बड़ा बदमाश हूं मैं, तो मजाक कितना महंगा पड़े। अरे यार मैं तो 5 किलो आटा लेने आया था। ला पैसे दे। पैसे होते तो मैं तेरे जोरे आता। तो यहाँ खराद बट रही है? तू अपना यार ना? हाँ तू तो मेरा यार है, मैं तो यार की तो छोड़ अपने बाप को तो उधार दू नहीं। अरे चल यार पैसे ले आ, जब भी मिलेगा अट्टा, नहीं तो जब तक भात खाओ जाओ चलो। अरे यार डमरू तेने 6 साल यारी पे थूक दिया। यारी में चक्की दे दू तुझे तेरा ससुरा, और देख ले, देख ले अभी तक नहीं आई, आज छोड़ बैठा लूंगा इनकी। अरे तू क्यों छेड़े उसे, वह छोटी सी बात पे नाराज हो जा। कैसी बात कर रहा राम, भाप भी है मेरी, मैं ना छेड़ूंगा तो कौन छेड़ेगा? और तुझे इतनी बुरी लग रही है ना राम, तो जुबान है इस पप्पी की, अब तो छेड़ के दिखाऊंगा। छेड़े तो है, किसी दिन थपेड़ देगी तुझे। और सुन मेरी मुलाकात ही थप्पड़ से हुई और मेरी प्रेम कहानी रहपटे से चालू हुई, पर है दिल की बहुत अच्छी। अच्छा अरे वाह, आ जाना मेरे घर को रोशन कर देगी और मेरे पिताजी का बहुत ख्याल रखेगी, बहुत संस्कारी लड़की है। संस्कार तो हमारा मालिक ही है, जल्दी चलने वरना थपेड़ देगा हमें। सही कह रहे हैं, आ जल्दी आ जा। एक तो यार साइकिल कितनी बार इसमें ब्रेक गिरवा ले, कदम मारे तनखा ही बहुत मिल रही ना। मैं तो भैया आज तुम्हें बिजली ने पकड़ लिया था, मैंने सुना था। हाँ जी वो तो राम ने आके बचा लिया मुझे, अन्याज तो घर का नाश ही हो गया था, अपनी जान पे खेल कर बचाया। बहुत बढ़िया बालक है भाई साहब, कुछ जैसा इंसान ना गाँव में दूसरा। हाँ जी सही कह रहे हो, कुछ जैसा इंसान है नहीं। हाँ भी सुक्के पैसे ना पहुँचाए अभी तक, लगे तेरे दिल से सुल्तान का डर खत्म हो गया। सुल्तान भाई नमस्ते। सुल्तान भाई थोड़ी सी मोहलत तोड़ दे दो, अब क्या व्यवस्था खराब होगी, आपकी पाई पाई लुटा दूंगा मैं। मोहलत ही तो ना मेरे पास, अरे खुदा ने एक जिंदगी दी है,
इसमें भी मोहलत देता रहा तो तुझ जैसे आदमी को कद मारूंगा, समझ गया? इधर आ। अरे मत डर, मेरे पास आना। देख, या तो मेरे पैसे दे दे, अनि मैं तुझे जिंदगी भर कमाने लागने छोड़ने का। सुल्तान भाई छोड़ दो, तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा मैं, एक एक पाई दे दूंगा। सुल्तान भाई छोड़ दो, सुल्तान भाई छोड़ दो, सुल्तान भाई छोड़ दो, अब तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा, मेरे हाथ कट जाएंगे। सुल्तान भाई छोड़ दो, छोड़ दो सुल्तान भाई, छोड़ दो। ध्यान रखना। अरे डमरू जान लगा ले, जान 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 तो बेटे मेरे में इतनी है कि एक घंटे में दो ट्रक गन्नों के भर दूंगा। हाँ, तेरे में क्या जान है जो मेरे में, किसी टाइम पे गोटा जमीन में मार के पानी निकाल देता था मैं। हाँ, जब ही गोड्डे की पाड़ी उतर रही है। तेरा, तेरे को जान नहीं दिखाऊंगा अपनी मैं। दिखा, काम कर लेकर अपने बोझ तले दबके मरेगा के, काम कर, चल जा, चला जा मेरे ससुरे। अरे एक बात और, जिस दिन तुम मर गए ना, यू हत्या मेरे नाम लगनी है। साले जोर उतनी लगा कर जितने तेरे बस की हो। सनी हुई पैंट में बदबू बहुत बुरी है। काम कर ले जा। अरे राम भाई उंगा। हाँ डमरू। यार तुझे माँ याद कर रही थी, न्यू कह रही जब सही यहाँ तेरी दुकान पे आया ना, हमारी तकदीर बदल गई। एक बार यार माँ से मिलिया जाके। तकदीर तो भगवान के हाथ में बदल ली, मैं तो बस ईमानदारी से काम करूँ भाई डमरू। अरे यार तेरी यही बात तो मेरा दिल छू जावे, मैं तो इसलिए कुछ ना करता, तू लेट बहुत आवे। भाई एक तो पिताजी बीमार है और गांव के भी एक दो काम करने पड़ जाना। और पिताजी से याद आया, उनके दवाई भी देनी है, उनके खाना भी बनाना। मैं अभी आया डमरू। हाँ, भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत भला आदमी है। रोशनी। हाँ बुआ। मैं सोच रही हूँ तेरे पापा से बात करो, क्यों ना तू मेरे पड़ोस में ही रहे, मेरी आंखों के सामने रहोगे और बुआ भतीजी दोनों दुख सुख की बतड़ा भी लेख रहेंगे। अन्य तो लोग नू कहेंगे बिगड़ माँ की बाला की, ध्यान ना रखा उसका। और फिर राम जैसा लड़का मिलना भी तो मुश्किल है, राम बहुत अच्छा लड़का। बुआ चावल साफ हो गए, मैं अभी आती हूँ। बता यार, गांव में तेरा उधार होगा, जिसे उधार दे दूं पैसे देने का नाम लेता, उनका भी करना पड़ेगा मुझे। ए वे डमरू। हाँ भाई। तू हमें आटा नहीं देगा तो हमारे घर रोटी नहीं बनने की क्या? अरे मेरे ससुरे, मैं तुझे इसलिए आटा नहीं देता हूँ कि तेरे पे पैसे ना, यू बात ना है, मैं इसलिए नहीं देता हूँ कि तू निठल्ला काम चोर है। कुछ काम कर, काम कराओ ना, कराओ। हाँ मेरे पे काम है, तू एक काम कर, जिन पे मेरा उधार है कुछ लोग अन्ना कान नहीं कर रहे, तू एक काम कर मेरी गैल चल। भाई देख, मेरे पे कोई नहीं बनने का, एक आध मर गया 5-6 साल की जेल और हो जाएगी तेरे चक्कर में। अरे तुझे मारना नहीं है, मैं जीने पाड़ पाड़ के फेंकूंगा ना, तूने इकट्ठा कर करके फेंकता रहिए। ठीक है तो चल, चलो चल, आगे आगे तुम रहो। भाई धर्मवीर बस ठीक ही मान, दवाई चल रही, बस गिन रहा अपने सांस और के करो, मगर एक चक्कर सा लगा जाता। प्रणाम अंकल जी। प्रणाम बेटा, आजा बैठ जा। कद आई तू? मैं कल ही आई थी। अच्छा, अच्छा आपकी तबीयत ठीक है? बस ठीक है बेटा, अब तू आ गई और ठीक हो जाएगी। दवाई खाई आपने? राम आवेगा, चाय बनावेगा, जिब देगा दवाई। दवाई मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ और दवाई ला देती हूँ। दवाई का रखिए भीतर दरी, या तो मैं ले ली थी वह पीन वाली रहनी वाले। ठीक है। ले बेटा, मैं चाय बना देती हूँ। चाय बना दे, जीत ही रहो बेटा तू। बस दवाओं ने भी मार लिया, पता नहीं कद लोग खानी पड़े। रोशनी बेटा, मीठा थोड़ा हलवा रखिए और अपने नाम की बना लिए। अरे रे रे रे, सारा घाट टूट गया, सर बेहतर रही नहीं। फिर कोई कर रहा दिखे।
पिताजी लेट हो गया, चाय बना दूं और दवाई दे दूं तुम्हें। दवाई तो ले ली बेटा मैं, चाय बनाने लग रही रोशनी, लग रही वा भीतर। रोशनी? ओहो, अब तो बड़ी रोशनी रोशनी हो रही है। हाँ, जा लिया गलवाला। ओहो, मैं तो डरी गया कि हमारे घर में चुड़ैल कहाँ से आ गई। हाँ हाँ, अब तो मैं चुड़ैल ही दिखाई दूंगी। 4 महीने हो गए मुझे जाए हुए, ना कॉल करा ना मिलना आए। प्यार भी करो या ऐसी टालने लग रहे हो? अरे यार, तुझे सब पता है मैं पिताजी ने छोड़ के कहीं ना जा सकता, और प्यार की तेरे से अच्छी कौन जान सके, कितना प्यार करूं मैं तुझसे। चल ठीक है, चलता हूँ काम, पापा को चाय दे दे। ठीक है पिताजी, मैं चक्की पे जा रहा हूँ। सुनो, मुझे भी छोड़ देना, मुझे टेलर के जाना। अरे तू बाद में चली जाइए। देख रहा हूँ अंकल जी, अभी से साथ ले जाने में भी शर्म आ रही है। ए, गेंदे के जैसे बात बता रहा। जा बेटा, शाना बैठ जा। अरे सुन, अपनी बुआ से तो बताया? हम बे, इतने दिन बाद तो मौका मिला तुम्हारे साथ घूमने का, उसमें भी बुआ को बतवा दो। चलो तुम आ तो बैठ। कितना वजन हो रहा है राम, मुझसे सब पूछते हैं कि हमारी शादी कब होगी। बताओ ना, कब होगी हमारी शादी? करेंगे, और थोड़ा सा पिताजी ठीक हो जाए और मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, कई जगह फार्म भर रखे हैं। अच्छा, वैसे शादी के बाद बदल तो नहीं जाओगे? थोड़ा बहुत तो बदलना ही पड़ेगा। पर क्यों? अरे बुढ़े भी होंगे तो बदलूंगा ही। अरे पागल, वो बदलना नहीं कह रही, कहीं शादी के बाद तुम मुझसे प्यार तो करना कम नहीं कर दोगे? ओ दीदी, वो प्यार है, अलमारी में धरा पैसा कोई है जो खर्च हो जाएगा, बाकी और तू समझदार है। ना, मैं तो पागल हूँ। वो तो है पक्की। हैं? क्या बोले तुम? अरे मेरी पगलेट, मैं काम पे जा रही हूँ, तू भी घर जा। हाँ हाँ, तुम्हारी पहली बीवी तो तुम्हारा काम ही है, मैं तो बाद में हूँ। मेरा काम, मेरा वजूद, मेरी पहचान है, और तू मेरा प्यार और मेरी जिंदगी है। अरे लौंडे, आज तो गम में बहुत दिन बाद तितली दिखाई दी है। भाई तित्तर भी बैठा है एक। चल तित्तर के पंख तो दो काट दिए, मुझे तो बस ये तितली चाहिए। खुट्टे, मेरे मामले से थोड़ा दूर ही रहकर, तेरे जैसे खुट्टे मैंने बहुत उखाड़ रखे हैं। खुराक मांग रहा दिखे। राम, तुम इनके मुंह क्यों लग रहे हो, ये तो बदतमीज है, चलो यहाँ से। अच्छा, हमारे मुंह क्यों ना लगे, हम भी इंग्लिश वाला मंजन करें, हमारे मुंह से बदबू ना आती, ले देख ले। तुम चलो यहाँ से, तुम्हें मेरी कसम है। अरे भैया, मैं तो डर गया इस बदमाश से, कभी मुझे ना फाड़ दे। इसका इलाज भी करना पड़ेगा, मेरा नाम भी खुट्टा, ऐसा खुट्टा काटूंगा सारी जिंदगी नहीं लिखने का। चलो डमरू भाई, जो अपना बॉम्बे वाला फ्लैट है ना, आप उसे नहीं बेच रहे। कैसे करे भाई? बेच दो, पैसे की तंगी है। डमरू ठीक है तू? हाँ ठीक है। अरे यार, मैं एक डकदे में गया और वहाँ चक्कर आके गिर गया, मैं चक्कर से आ गया। पागल मत बना, पिट के आ रहा दिखे। छोड़ी रे, मुझे छोड़ दो। इंगाट, हेलो हेलो, साले मुझे कोई मार भी सके कि मैंने अच्छे अच्छे को पाड़ पाड़ के फेंक रखा है, हल्के मेरी रहा बात, जा पड़े ही सुसरी का। बॉस, मुझे लगा तुम सचिन पिटकाई दिखो पीछे। अरे वाह साले, अपने आदमी को बेइज्जती कर रहा। साई राम राम। राम राम बेटा, राम राम। तने बुलाया कहिया हमें? आजा बैठ बेटा। बेटा मैं कह रही थी तू बाजार को जावे तो मेरा एक आधा सामान लेता ही है। ले आऊंगा ताई। ले आऊंगा? बेटा मेरा तो ऐसा मन सा घबरा रहा कि जिंगे तिंगे की बात सी सुन के कोई कहीं भाग रही है लेके, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा। देख, तू रोशनी को चाहवे, रोशनी तुझे चाहवे, तो क्यों ना तू अपने पिताजी से बात कर ले, हम भी राजी हैं।
ब्याह कर देंगे रोशनी का तेरा। ताई हम ना कोई सा गलत काम करें, मैं सोच रहा हूँ पिताजी थोड़े ठीक से हो जाएं तो जब भी कर लें। हो जाएंगे पिताजी भी ठीक, रोशनी चली जाओगी तो खूब सेवा करेगी तेरे पिताजी की। अरे मैनू भी सोच रहा था ही, दो चार ईंट भी लगा देता। भाई तो सोच तो अच्छा ही रहा वैसे तो। ताई वो रोशनी ना दिख रही? रोशनी पथवारे में को गई है उपड़े लेना। अच्छा ताई, ताई मैं भी खेत में ना होया हूं। चल ठीक है। कितना अच्छा छोरा है, अपने पिताजी के बारे में कितना सोच रहा। मेरी रोशनी को ये छोरा मिल जाए, इससे ब्याह हो जाए तो मैं भी सुखी और मेरी रोशनी भी सुखी। आजकल ऐसे छोरे मिले कहाँ भले। तुम भी खड़े खड़े थक गए होगे तो मैं एक शेर सुनाता हूँ। अर्जी क्या है? गहराई ने मेरी गहराई को इतनी गहराई से देखा, गहराई देख के बोली अरे मैया इतना गहरा। अबे बाबा क्या तुम्हारा बाप करेगा? भाई अब्बू तो एक साल पहले निकल लिए थे, तुम कौन से अब्बू की बात कर रहे हो? मजाक चल रही है? अरे वाह, अगर शेर इतना अच्छा लगा तो एक और सुनो कि तुम आए मेरे पास से गुजर कर। सलाम भाई। सलाम सलाम, आजा। ठीक है छोटे भाई, मैं ये सोच रहा कुछ दिन के लिए पहाड़ पर घूमने चले जाऊं, दिमाग थोड़ा परेशान है। दिमाग तो परेशान रह गई तेरा, नशे बहुत कराया ना तू। अबे नशे कम कर दे, दिमाग ठीक हो जाएगा। ए भाई तुम्हें तो पता मुझे घूमना कितना पसंद है। पसंद तो तुझे करे कराए काम पर मुतना भी है, मुतन दू तुझे। ए भाई प्लीज जान दो ना। भाई कैसे? भाई प्लीज, भाई कैसे? भाई प्लीज। ठीक है यार, मालिक 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 मालिक, इंसाफ दे दो या जहर दे दो। आपका भाई 3 दिन पहले हमारे घर पैसे लेने गया, मैंने उससे 3 दिन बाद के लिए बोला, उसने मुझे बहुत मारा। मेरी बहन से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने उसके चांटा मारा। मेरी बहन का अभी तो कुछ नहीं पता। भाई साली ज्यादा नखरे कर रही थी, मैंने थप्पड़ मार दिया, जाके सिर लगा दीवार में, टैम बोल गई। तू पागल है छोटे, मरवाएगा किस दिन? अरे हाँ भाई, तेरी बहन किसी और के साथ भाग गई होगी तो बिना मतलब यहाँ चलाया, और वैसे भी तेरे घर में रहकर क्या करती, तेरा खर्चा ही करवाती। तू थाने में रिपोर्ट करा दे, और हाँ तेरा कर्जा भी माफ। नहीं मालिक। बोलो ना साले निकल यहाँ से। मालिक पहले खुद की छोरी ऐसी मालिन जाती, जब भाग जा उसके बाद हम जैसा अमीर और शरीफ लोगों पर इल्जाम लगाओ। मुआवजा चाहिए तुम्हें, फेंको इसे बाहर यहाँ से। तुझे कितनी बार कहा जा यहाँ से? मालिक मालिक मालिक। अरे तुम इंसान हो कि हैवान? साली तेरी बहुत जवान चल रही है, पहले तुझे देखूंगा आज। देख लेना तुम लोग एक दिन इतनी बुरी मौत मरोगे, तुम्हें कोई पानी देने वाला नहीं होगा। धीरे बोल, जिंदे पे पिला रही तू अमृत, जो मरे पे प्यासे मरेंगे। तू खुद को बहुत बड़ा मर्द समझता है ना, तुझसे बड़ा नामर्द आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। देख लियो एक दिन भगवान तुझे ऐसी नरक की आग में जलाएगा। मेरा जो होगा तो देखा जाएगा, अगर तू ऐसी जवान लड़ाती रही ना तुझे किसी दिन जिंदगी को फूंक दूंगा। हाँ फूंक फूंक। करे से बाहर ठाक है। अरे आई ना अभी तक भी। अरे आ जाएगी, तो मेरी बात सुन। ओ तुझे पता है करतार की छोरी के भूत कैसे आवे? मुझे तो ना पता। सुन फिर, रात को तू दीवार कूद जायो और वापिस आवे तो उस पर भूत चढ़ जावे, कुछ समझा? के बकवाद कर रहा तू? अरे मैं यही बात तो करतार को समझाने जा रहा था कि ये सब चढ़ने उतरने का मामला है, साले ने मेरा भूत बना दिया। कौन कहां से चढ़ के उतर गया? अरे वो करतार की छोरी ना है के, वो जब चढ़ रही उतर रही थी। चुप कर, तू इतनी लेट क्यों आई? घर में काम वाम भी हो, मैं समय लग गया।
के बात होगी, क्यों बुलाया था ने? कुछ ना, ऐसे बैठ के अकेले में बात करने का मन कर रहा तो बुला लिए। तेरा तो अकेले में बैठ के बात करने का मन कर रहा था, किसी किसी का तो ब्याह करने का भी मन ना करता। हाँ, ब्याह का तो इनसे जिक्र ही मत करो। अरे जा तू। ठीक है, आग लगा रहा। रोशनी तुझे ऐसा क्यों लगा मैं तेरे से प्यार ना करता? इस दुनिया में मेरे पिताजी और तेरे अलावा है ही कौन? जैसी बात क्यों करो जो मेरे लगे हैं? बात की तो पता ना, पर आज मैं तेरे लगूंगा जरूर। हाँ सुख के, ज्यादा तो ना लगी? ना जी, ज्यादा ना लगी। अच्छा ना लगी, मोटी चमड़ी हो रही है। क्यों मार रहे हो इन्हें? क्यों मार रहे हो? सूखे तेर से कही ही, सुल्तान का पैसा खाने वालों का बहुत बुरा हाल हुआ है। पैसा मांगने के टाइम पे तम्मी में आता हुआ आ जा। भाई साहब पैसा दे दो, ना मिले तो मर जाएंगे। पैसा देने के नाम पे तेरी मम्मा मर जा। खोलो रे, खोलो गाय, खोलो इसकी। कूटो भाई गाय मत खोलो हमारी, ये कि यही तो है जिससे हमारा पेट भर रहा है, इसे भी तुम ले जाओगे। कूटो भाई इतना नट मत। ओ भैया रहन दे, इनकी गाय वाय मत ना खोल ले, दे देंगे तेरे पैसे। खोल जल्दी खोल। मैं क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू? तू कहीं ले आया? चल चल चल। ओए मेरे होते हुए तू ऐसे नहीं कर सकता कुत्ते। तो और क्या करूं, 5,000 रुपए लाया मेरे भाई से, ब्याज लग लग के 1,00,000 रुपए हो लिए, इसके ढोर ना खोलूं तो क्या करूं? बता तेरे ब्याज का हिसाब। 5,000 रुपए के ऊपर किसी घर पर कब्जा करोगे? कौन से कानून में लिख रहा है? इतनी तकलीफ हो रही थी तू दे दे, और ब्याज भी माफ कर दूंगा अगर तेरी जमा खड़े खड़े 5,000 रुपए लेकर जाए। ले 4,000 रुपए, 1,000 रुपए बाद में दे दूंगा। 5,000 रुपए की कातना, और तेवर साले दुबई के शेख वाले हो रहे तुम्हारे। ले 1,000 रुपए, इनकी तरफ आंख भर के मत देख लिए कभी। चलो रे हटा इसे। राम भैया तुम्हारे एहसान कैसे उतारेंगे हम? अरे भाभी तू ऐसी बात मत करे कर, गांव बस्ती में ऐसा होकर है। चल भाई लुटा इन्हें। हजार रुपए मिले थे मुझे तनखा के, और वो भी तने उसे दे दिए। मेरे भाई पीने का पूरा मूड बना हुआ था मेरा, अब के भैंस के नीचे कटोरा लेके बैठू उसको मूत पीऊं? दूसरे की मदद करने से इंसान कभी गरीब ना होता, और 1,000 रुपए की ये दुआ तेरे जीवन में कहीं ना कहीं काम आएंगी। और नाटक मत कर, 4,000 मिले तुझे खूब पी लिए, जो तने पीनी है तो। इससे पहले तू बच्चे कुछ निकलवा दे, चल ले। भाई राम अब तो तनखा आधी मिलने लगी भाई। अरे आधी मिली है, परसों मिलेगी पूरी। मुझे तो ये बढ़िया हिला हुआ लगा। जब पूरी तनखा देनी थी तो एक साथ दे देता, चिल्लर थमाने की क्या जरूरत थी? चल भाई काट गला से बाहर धो दे, जा कर क्या काट गला से। ए भाई तू भाई के चक्की काटा खा के भाई के पैसे ना दे गए, तू इतना बड़ा हो गया है? अबे तो मारने को बन्ना कर रहा, इसने धो दिया दिखे। तेरा डमरू कौन सी चक्की काटा खबा रहा है, पलित का पलित पड़ा अंदर। अच्छा हाँ चलिए। अरे थोबे से मुंह के, एक तो मारे ही खावे और हम ही गुर्रावे हैं। मारा खावे आटा और मारे ही मारे चाटा, तेरी बहान का। पलित का पलित पड़ा है। अरे बदमाश बन रहा, फाड़ फाड़ के सुखा दे तुझे। साले जैन को पाई दूंगा, और सुन पैसे लेन फेरा हुआ, सुन ले अपनी दवाई गोली करवा लिए चले। पिताजी राम राम। राम राम बेटा। ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ।
आज वहाँ बहुत काम है, तो मालिक ने बहुत लेट छोड़ा, तुम्हारी रोटी का भी लेट हो गया, चलो अब बनाए दे। ना ना, खाना तो बनाएगी रोशनी और तेरा भी बनाएगी, दवा भी देगी मुझे, रोटी खा लेते। अब तेरी तो गड़बड़ हो गई, बाट दे। अरे तू कहाँ चला, रोटी तो खा लेता। नाराज मत हो, नाराजगी हमें बर्दाश्त नहीं, पंख होते तोड़ के आ जाते, शायद आपको विश्वास नहीं। जब तक तुम मना नहीं करोगी ना, जब तक दंड बैठक मारता रहूंगा, पर नाराज मत हो। तुम पागल हो, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। पागल तो हूँ, तेरे चक्कर में। राम, तुम वाकई में बहुत सीधे हो, और इतना सीधा होना अच्छी बात ना है। ये दुनिया बहुत टेढ़ी है, सीधे लोगों की कोई कदर ना है यहाँ पे। रोशनी जरूरी थोड़ी है, हर इंसान एक सा हो, कर्म करो और भूल जाओ, और करना ही है तो अच्छा ही करो, बुराई से क्या करना है। राम, मुझे कभी कभी तो सच में ऐसा लगता है तुम इस दुनिया से ही अलग हो। इतना अच्छा दिमाग, इतना अच्छा दिल और इतना अच्छा इंसान, सच में बड़ी किस्मत वाली हूँ जो तुम मुझे मिले हो। और मैं भी बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तू मिली है। हेलो। हाँ भैया, राम राम। अरे भैया, मैं नू कह रही ही, हमारी पड़ोस में लड़का ना राम, वो तो तन्ने देख ही रखा, उसे हमारी रोशनी भी पसंद करे और वो छोरा भी रोशनी को पसंद करे। अकेला ही लड़का भैया, अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छे संस्कार हैं और पूरे गांव में नाम है उस छोरे का। तू आ जा एक बार और उस लड़के को देख कर भैया अपना रिश्ते की बात कर जा। हाँ आजा, चल ठीक है। ओ ताई, ताई, ए कहाँ है ताई? हाँ, क्या काम है? अरे काम है कुछ, कहाँ गई है ताई? बुआ ना है यहाँ पे। कोई बात नहीं, तू तो है जी। अच्छा, हाँ? जब बुआ मैं तभी आई हूँ। सही रहा बुआ ना, मैं तो देख का आया बुआ ना हो। देख लिया ना बुआ। रोशनी। हाँ बुआ। मैंने तेरे पिताजी से बात कर ली, तेरा रिश्ता लेकर आ रहे राम के घर। सच्ची? हाँ। ए मर जानी, मुझे गिराओगी के खाट से तले? जैसे थारा जमाना बढ़िया, तुम अपनी मनपसंद का ब्याह तो कर लोगी। हमारे जमाने में तो माँ बाप ढूंढे तो जैसे गिर दे वैसे चले जावे। मेरे जमाने में ऐसा होता ना, तेरे फूफा से थोड़ी ब्याह कर दी मैं, मुझे भी कोई धर्मेंद्र जैसा मिलता। तुम कौन सा है मामाली से कम हो? अरे अंदर मस्का लगाने को। चल हट एक और को। यार पप्पी, रोशनी से ब्याह करना ही पड़ेगा, बड़ी परेशान सी रहवे। अरे तो टेंशन किस बात के, कर ले शादी। ओहो, तू बड़ा उतावला हो रहा। उतावले की बात तो ऐसी है, तेरी एक आध साली छट्टी से मेरा भी जुगाड़ बिठ जाएगा। अरे ब्याह तो तेरा कहीं से भी हो जाएगा, थोड़ी सी हरकत सुधार ले। मेरी क्या हरकत खराब है भाई, मैं कच्चे की जगह बनियान और बनियान की जगह कच्चा पहनूं क्या? तेरे में सब कुछ ठीक है, पर दिमाग की जगह दिमाग ना। चल काम कर ले, आता ही होगा फिर डमरू। अनु कहेगा कर रहे हैं बात यहाँ। तो मेरा घर ही ना पसंद है। अरे भाई भाई, घर जाते मेरा नाश करवा दोगे? क्या हो गया? हो ही हो गया, सब उधार ही उधार है इसमें। यार मैंने तो अपनी चक्की पर नौकर रख रखे हैं, मुझे ऐसा लग रहा तब मुझे किसी और के यहाँ नौकरी करवा दोगे। अरे डमरू भाई, कोई आटा मांगन ना आवे तो मने ना होती, दे देंगे सब। बस यार तेरी यू ही बात तो मेरी समझ में ना आती यार, बस मैं भी दिल का ही ऐसा हूँ। कोई बात ना, चल कर काम। देख रहा मुँह करके बकरा सा मुँह। रोशनी, पिताजी भी चाहे हमारी शादी जल्दी से हो जा। पिताजी चाहे क्या मतलब, तुम ना चाहते? अरे मैं भी चाहूँ, पर मैंने सोच रहा हूँ थोड़े से और रुक ले। राम तुम ऐसे नाटक मत करो,
बचपन से अब तक तो इसी उम्मीद पे जीती आई हूँ कि एक दिन तुम्हारे नाम की चूड़ियाँ पहनूंगी, और अब मौका मिला तो तुम ऐसे कर रहे हो। मैं नहीं सोच रहा हूँ, घर के हालात थोड़े अच्छे हो जाएं, मैं दुनिया की सारी खुशी तुझे देना चाहूंगी। राम, मैंने कितनी बार कहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए सिर्फ तुम्हारे साथ के सिवा। मेरे हीरे जवाहरात मोती सिर्फ तुम्हारी हंसी और तुम्हारा साथ ही तो है, मुझे कुछ नहीं चाहिए सच में। रोशनी, फिर भी कुछ तो। बस तुम चुप रहो, मुझे तो ऐसा लग रहा तुम ही ना चाहते हो, मैं अपनी जान दे रही हूँ। हटो लेना, तुम एक दिन मेरी जान ले लोगे। अरे पागल, मजाक कर रहा था, दुल्हन बनने का तैयार हो जा तू। पक्का? पक्का। बात से मुखर तो नहीं जाओगे? कभी नहीं। आज जैसी बोली आज डार्लिंग, आज तलक ना बोली तू। जैसी बोली आज डार्लिंग, आज तलक ना बोली तू। हाँ मन्ने बता क्यों हो रही कड़वे नीम की न बोली तू। हाँ मन्ने बता क्यों हो रही कड़वे नीम की न बोली तू। हाँ मन्ने बता क्यों हो रही कड़वे नीम की न बोली तू। तेरे यार का नाम मैं सुनती यार जोड़ घटाना ठीक नहीं। ब्यूटीफुल चेहरे पे ज्यादा गुस्सा लाना ठीक नहीं। तेरा प्यार मोहब्बत मैं सुनती यार जोड़ घटाना ठीक नहीं। ब्यूटीफुल चेहरे पे ज्यादा गुस्सा लाना ठीक नहीं। फिर कोयल बन कह कूक आज फिर बोल प्रेम की बोली तू। कोयल बन कह कूक आज फिर बोल प्रेम की बोली तू। हाँ मने बता क्यों हो रही कड़वे नीम की न बोली तू। हाँ मने बता क्यों हो रही कड़वे नीम की न बोली तू। हाँ मने बता क्यों हो रही कड़वे नीम की न बोली तू। जब जी मैं जी आवेगा फिर बेरुखियों सहना पावे ते मतिया मर जावेगा। फिर प्यारी सी समाइल देती जब जी मैं जी आवेगा फिर बेरुखियों सहना पावे ते मतिया मर जावेगा। तू गहरा जैसी बात करे ना से मेरी हम झोली तू। गहरा जैसी बात करे ना से मेरी हम झोली। हाँ मने बता क्यों हो रही कड़वे नीम की न बोली तू। हाँ मने बता क्यों हो रही कड़वे नीम की न बोली तू। हाँ मने बता क्यों हो रही कड़वे नीम की न बोली तू। अरे कहाँ रह गई, लिया चाय? आ गया उसे? हाँ भाई, मार दिया। तुझसे उसके हाथ पैर तोड़ने के लिए गई थी, तू सीधा ही मारी आया। तेरे हाथ बहुत चलने लगे छोटे किस दिन। और क्या करता भाई, गरीब आदमी था, मैंने सोचा कहाँ अस्पतालों के चक्कर काटेगा, दुखों से आजाद कर दिया। अरे कहाँ मर गई, लिया चा। जा रे पानी की बोतल लेके आ, हाथ धुलवा। हेलो, सुल्तान बोल रहा हूँ। नमस्कार भाभी, मेरे लिए भी ले आना चाय। अरे वो मर्डर हुआ ना। अरे छोटे ने क्या यार, उसको रफा दफा कर, तेरी मिठाई शाम को पहुंच जाएगी।
अरे यार इतना मुंह मत फाड़ा करो तुम, नीचे से ऊपर तक पैसा देना पड़ता है पता है नहीं। ठीक है रख फोन। कुछ घर के काम में भी ध्यान लगा लेकर, अब क्या खड़ी है जाए ऐसे। इसने फेंक दो, डॉक्टर ने मना कर रखी है, इस धुम्मे से तो मुझे बहुत गंदा है। लो दवाई, लो दवाई इसमें। बैठ तू दो मिनट बैठ जा। राम बेटा तेरी शादी हो जा, तुम अपने पोता पोती को एक बार खिला लूं, उन्हें देख लूं, मैं चाहूं तो शादी कर ले। पिताजी तुम कहीं ना जा रहे, ठीक है ना? राम बेटा सच को ज्यादा दिन नहीं झुठलाया जा सकता। कल तेरी अत्ताई आई थी पड़ोस वाली, वनु कह रही थी उसका रोशनी का बापू आप, वो तुझे देखना आवे, उससे मिल लिए कोटा लिए ये तड़की और ड्यूटी डाइटी जान को रहन दे। ठीक है पिताजी महाराज, जैसा आप कहो। महाराज बता रहा, मुझे सब पता तेरे उसके बारे में। तुम भी पिताजी। देख रही राम की माँ तेरे कितना शर्मिला। देख लो गांव वालों, अगर आज मैं समय पर ना आता ना तो इस लाले की जिंदगी बर्बाद कर देता यू, तुम इसे कितना सूदा माने करो। बता लाले क्या कर रहा यू? हाँ जी ऐसा ही है, इसी ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। साले लगा था तू बहुत सूदा था। तू क्या कह रही है? नहीं रेप करेगा, जन्ने रेप की सजा। किसी का आगे जुबान मत खोल दिए, समझ गई? चल रहे राम, गंदा काम राम। ओए ओए ये पुलिस राम को कहाँ लेके जा रही है? अरे बहुत घटिया निकला तेरा यार, गांव में बहुत सूदा बना है ना, कोटे वाले की छोरी पकड़ ली इसने, नाम राम और कर्म रावण वाले। ना मेरा राम ऐसा कभी ना कर सकता। हाँ तुझे पता तेरा राम ना करने का ऐसा। बहुत घटिया निकला यू तो। चलो रे। ना, राम ऐसा कभी ना कर सकता। ताऊ जी, ताऊ जी इधर तो गया ताऊ जी। ये बात होगी? राम को पुलिस वाले उठा के ले गए। मेरा राम ऐसा काम कर ही नहीं सकता। मैं से संस्कार नहीं सिखा रखे उसे। पप्पी तू बचा ले राम। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम राम ने गांव की एक महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, लिहाजा यह अदालत उन्हें 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाती है।